हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज का पकोड़े का रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर आप प्याज खाना बहुत पसंद करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ। इसमें डाल देते हैं लंबा लंबा कटा हुआ प्याज, इस तरह पतला पतला और लंबा लंबा करके। और प्याज को मैंने काटने के बाद अलग अलग कर दी हूँ, ये देखिए इस तरह। अब इसमें डाल देते हैं 3 मीडियम साइज़ का प्याज को मैं यहाँ पर काट कर ले ली हूँ। बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची डाल देंगे। ग्रेट किया हुआ अदरक को डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने से पकौड़ा क्रिस्पी बनता है। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसमें चावल का आटा डाल दूंगी। नॉर्मली जो पकौड़ा बनाते हैं बेसन से बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर चावल का आटे का बना रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है चावल का आटे से। और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे चावल का आटा। और मैं यहाँ पर आधा कटोरी चावल का आटा ले ली हूँ। पकौड़े का टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल दे रही हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के ऊपर अच्छे से चावल का आटा और बेसन कोट होना चाहिए। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सर तैयार कर लेते हैं। एक साथ पानी नहीं डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। प्याज में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। बड़ा साइज का नींबू का आकार का पर्शन तोड़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसका टिकिया जैसा शेप दे देंगे। ये देखिए अच्छे से प्रेस कर देंगे, टिकिया जैसा बना लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अगर प्याज में बाइंडिंग थोड़ा कम है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या फिर बेसन डाल सकते हैं। मैं और एक बना के दिखा रही हूँ। इस तरह गोल गोल शेप बना लेंगे पहले, उसके बाद हम चपटा कर लेंगे, टिकिया का आकार दे देंगे। इसी तरह सारे टिकियों को मैं बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए बन गया है हमारा बहुत सारी टिक्की। अभी इसको फ्राई कर लेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई में रिफाइन ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें अच्छा हीट आ रही है ऑयल में से। अभी गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम में कर लेंगे और एक एक टिकिया डालते जाएंगे। जितना कढ़ाई में स्पेस है उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह छोड़ देंगे और ऊपर का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तभी हम पलट देंगे। ये देखिए इस तरह नीचे का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का करेंगे। ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो ये टेस्टी नहीं बनेगा, नीचे से जल जाएगा। तो आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे और पलटते पलटते दोनों साइड से हमारा पकोड़े में गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है हमारा प्याज का पकोड़ा। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। 3 से 4 मिनट लगता है इसको फ्राई होने के लिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी टेस्टी प्याज का पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। आप इसको प्याज का टिकिया भी कह सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी है, बहुत अच्छा टेस्टी भी है और अंदर से भी थोड़ा सा जो प्याज का क्रिस्पीनेस है वो बरकरार है। आप इसको कोई भी सॉस के साथ या फिर हरा चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।
चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह प्याज का टिकिया बनाइए, खाइए और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।